नमः, ओम ब्रह्म देवताय 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 नमः। दत्तराज आंखें खोलो दत्तराज। ब्रह्म देवता आप, प्रणाम ब्रह्म देवता। हम तुम्हारी अडिग और कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए, मांगो वरदान मांगो। मैं आपसे ऐसा वरदान चाहता हूं कि पृथ्वी आकाश और पाताल तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी गर्भ से उत्पन्न प्राणी मुझे मार ना सके, मैं अमर हो जाऊं। हम तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारी तपस्या से खुश होकर हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि कोई भी गर्भ से जन्मा प्राणी तुम्हें मार नहीं सकता दत्तराज। यही तो मैं चाहता था प्रभु। तथास्तु। मुझे ब्रह्मदेव ने वरदान दिया है, आज से मैं अमर हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं, हाँ मैं, आज से मैं स्वयं भगवान हूं। जाओ पृथ्वी के लोगों से जाकर कह दो कि आज से हम उनके भगवान हैं और वो सिर्फ हमारी पूजा करें, और यदि कोई इस बात का अवरोध करे तो उसे नष्ट कर दो। जाओ नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। मुनिवर बात क्या है? प्रभु आप तो अनंत निद्रा में खोए हैं और पृथ्वी लोक में आप ही के मंदिरों में आप ही के भक्तों पर अत्याचार हो रहा है। ये सब मुझसे देखा नहीं गया प्रभु, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप ही कोई उपाय कीजिए प्रभु। ब्रह्मदेव के दिए हुए आशीर्वाद के सामने हम असहाय हैं। जब जब इस संसार में अधर्म का उत्पात बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ प्रभु, परंतु इस बार हम नहीं, हमारी महाशक्तियां इस अवतार को प्रकट करेंगी और वही उस दुष्ट दैत्यराज का उद्धार। मुनिवर आप इन महाशक्तियों का आवाहन कीजिए, वे आपकी पुकार सुनकर अवश्य पधारेंगे। उनमें से एक ज्योति रूपी शक्ति प्रकट होगी और वही इन दैत्यों का नाश करेगी। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे महाशक्ति, जब जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा तब तब आपने उनका सर्वनाश किया है। हे मां आज भी दैत्यों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हे महिषासुरवर्धिनी जबकि संकट दूर करने के लिए प्रकट हो मां, हे अंबे मां जगदम्बे मां प्रकट हो। महाशक्ति परम शक्ति जगत माता जगदम्बा का अवतरण हो, अवतरण हो। ए आदि शक्ति, ए महाशक्ति परम शक्ति, ए जगदम्बा, ए जगत जननी प्रकट हो, प्रकट हो। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै। पर्वत की गुफा से निकलकर रणभूमि में युद्ध कर, पृथ्वी की रक्षा कर, युद्ध करने वाले
तुम्हारी। अरे अमुन, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू छन भर के लिए खूब करज ले। मेरे हाथों अब तेरी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। हे महारानी दुर्गा, मैं युद्ध भूमि में तैयार हूँ। मुझसे बढ़कर युद्ध करने वाला कौन है इस धरती पर जिसने अवतार लिया है? चमत्कार देख लिया आज अपनी आंखों से हमने, वाह। धन्य हो पंडित श्रीधर, धन्य हो। प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है कि आप पंडित श्रीधर से अपनी दुश्मनी त्याग कर माता का नाम लेकर माता की भक्ति स्वीकार कर लो। प्रभु, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट नहीं, ये कहूंगा कि तो बुद्धिहीन हो गया है। मैं अब अपनी तपस्या में लीन होकर के देखूंगा कि कहां छुपी हो वैष्णव देवी, कहां छुपी है वो, कहां छुपी है। मैं तुझे जरूर देखूंगा तू कहां है। जा, चला जा यहां से। रुक जा, अंदर जाने का प्रयास मत कर। कौन है तू? हट जा मेरे रास्ते से, मैंने कहा हट जा। आज मैं उस कन्या को नहीं छोड़ूंगा, उसे पकड़ कर रहूंगा। जिसे तू साधारण कन्या समझता है वो महाशक्ति है, आदि कुमारी है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से उसने कौमार्य व्रत धारण किया है। मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से, चला जा। महाबली, आम मातेश्वरी, इसका वध तुम्हारे हाथों नहीं मेरे हाथों होगा। मैं कहती हूँ अब भी मान जा, चला जा यहाँ से। मुझे दर्शन दो मां।
मां मुझे दर्शन दो। भैरव प्यादि शक्ति जगदम्बा मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो मां, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है क्योंकि मेरी मृत्यु स्वयं शक्ति के हाथों हुई है। मैं आपके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था मां, इसीलिए आपसे बैर धारण किया था मां, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो मां। हे जगत जननी, मैं आपके इस रूप से अपरिचित था मां, यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो ये संसार मुझे पापी कहेगा, मुझे धुतकारेगा, मुझसे घृणा करेगा। तुम चाहते क्या हो भैरवनाथ? मां आप तो ममता महिमा है, क्षमा की देवी है। हे जगत जननी, हे देवी मां, कुछ ऐसा कर दो आज कि लोग मुझे आपका शत्रु न समझे, लोग मुझे पापी ना कहे। भैरवनाथ, तुमने अंत समय में मुझे मां मां पुकार कर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं और ये वरदान देती हूं भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। धन्य हो मां। मेरे भक्त, मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। तुम्हारे धड़ पर से चलकर भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी। पहाड़ा वाली जय माता दी। जोटा वाली जय माता दी। लाटा वाली जय माता दी। जय माँ वैष्णो देवी, आप धन्य हो माता, आप धन्य हो।